हाँ तो मम्मी आराम से ऐसे बैठे थे जैसे गर्मियों के सीजन में सड़क पर तरबूज का ढेर लगा हो। अचानक आपके बॉडी में सरोज खान जैसी हलचल क्यों होने लगी? मम्मी हिचकिया ले रही है, मैं अभी जाके पानी लेकर आती हूँ। ठहर, कल तूने मटका फोड़ा था, अभी तक वैसा ही है। मम्मी को कोई याद कर रहा है? इस उम्र में भी मम्मी को कोई याद करते है? समझ गई, वो सरपंच का बेटा जिसको मम्मी ने जवानी में घास तक नहीं डाली थी, वो बुढ़ापे में अपने बालों पे काली मेहंदी लगाते लगाते मम्मी को याद कर रहा होगा। भी आराम छना बकती रहती है। फिर आपको कौन याद कर रहा होगा मम्मा? तेरा बाप। ये हो सकता है काजल, ये हो सकता है। पता है तुझे, डैडी ना सुबह से अकेले बेडरूम में बैठे हैं। वाह क्या इंटेंस रोमांस है। डैडी बेडरूम में बैठकर मम्मी को याद कर रहे हैं और मम्मी हॉल में बैठकर हिचकियां ले रही है। ये सब बकवास है। अगर किसी के याद करने से किसी को हिचकियां आती ना, तो तू दिन में 1000 दफा शाहरुख को याद करती है और वो हकलाने की बजाय हिचकियां खाते खाते डायलॉग बोलते नजर आता। लो भाभी पानी पी लो, हिचकी बैठ जाएगी। इसे कहते हैं चाहत पर पानी फेरना। पेश किया है, बोल 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 बोल। इस कदर दिल ने दिल को याद किया, इस कदर दिल ने दिल को याद किया कि दिलदार के डील-डॉल बदन को हिला दिया, जो देखा ना गया जालिम जमाने से उनका ताता तैया भरकर उस पर पानी फिरा दिया। इसकी जात की, ये तो येड़ी गालिब की गली में घुस गई। शेर मारना कहाँ से सीखा? क्या बात करिए काजल, शेर और मैं मारू? अरे मैं तो किसी के सर की जू नहीं मार सकती। 100% बापू की फॉलोअर हूँ। अहिंसा परमो धर्म। हटेली, अपुन चार पैर वाले जंगल वाले शेर की बात नहीं कर रहे। अच्छा, दो पैर वाले लोकल शेर भी होते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं सुना। ये डफर, ये गजल के शेर की बात कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाह वाह वाह, दोबारा तिबारा चबारा, तुम वो शेर की बात कर रहे हो? उस शेर की वाइफ का नाम क्या है? अरे पागल, गजल के शेर की वाइफ कहाँ होती है? वो तो मिले जुले निर्जीव शब्दों का मेलजोल होता है। नहीं मालूम ना, मैं बताती हूँ, शेर की वाइफ का नाम है शायरी। तभी तो मुशायरे में दोनों शेरो शायरी ऐसे साथ में होते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ पार्टी में साथ हो। तू महान है स्वीटी, तू किसी को भी हस्बैंड बना सकती है और किसी को भी वाइफ दिला सकती है। पर ट्रेजेडी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने लिए दूल्हा नहीं ढूंढ सकती। ढूंढने से तो खुदा मिलता है, दूल्हा क्या चीज है? काजल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आता तो लोग अपना नाम मैरिज ब्यूरो में जाके नहीं लिखते, वो खुदा को ढूंढते और बोलते प्लीज हमारे लाइफ पार्टनर का पता दे दो। पुलिस वो खुदा को ढूंढती और पूछती ये खून किसने किया है, ये चोरी किसने किया है। ढूंढने से खुदा मिल जाता है। उस दिन मीनाक्षी से सुई गुम गई थी, पूरा घर छान मारा लेकिन सुई नहीं मिली, और तू बोलती है ढूंढने से खुदा मिल जाता है। जो ऐसी उल्टी सीधे बातें बच्चों को सिखाई तो एक गुंगा रख के, ए रख के क्या देती है, देना है तो सीधा उठा के देना। अगर आप उनकी खोपड़ी सटक गई ना, तो अपन उसे चिकने चेहरे पर अंडमान निकोबार का नक्शा बना देगा। शादी के बाद वहां के जंगलों में हनीमून बनाने का लेटेस्ट फैशन निकला है, और आपको पता है मेरे पास है ना वहां की सारी डिटेल्स है। इसे कहते हैं आशावाद की इंतहा, शादी हुई नहीं और हनीमून के एड्रेसेस ले रखे हैं। हनीमून पति के खर्चे से होता है, अगर उसके पॉकेट को अफोर्ड नहीं हुआ तो ऐसे होने की कोई चांसेस नहीं है स्वीट हार्ट, क्योंकि जो आदमी मेरी जैसी बीवी अफोर्ड कर सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके हनीमून बना सकता है। अगर तेरी बात मान ले तो मेरे पास एक बहुत सुंदर सस्ता टिकाऊ आइडिया है। कौन सा? बोरीवली नेशनल पार्क। तू बोरीवली नेशनल पार्क में अपना हनीमून मनाएगी? हाँ काजल, मतलब तो हमारा जंगल से है, फिर वो जंगल बर्मा में हो या बॉम्बे में क्या फर्क पड़ता है? पता है ये बड़ा कन्वीनियंट है, अंधेरी से लोकल पकड़ो,
बोरेवली पहुंच जाओ। बोरेवली से रिक्शा पकड़ो 5.5 रुपए में नेशनल पार्क। टेंट लगा लो और पता है हम लोग है ना घर से पूरी भाजी पैक करके लेके जाएंगे। 300 रुपए में हमारा हनीमून हो जाएगा। ऐसा हनीमून तो सिग्नल पे भीख मांगने वाले भिखारी भी अफोर्ड कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर 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 शोर। दुनिया से गोरे कालों का भेदभाव मिट गया है। खबरदार जुद्दू हमारे घर पे लेके आई। अंदर की फिल्म का गाना नहीं सुना क्या? गोरो की ना कालो की दुनिया है दिलवाल। दुनिया के किसी भी कोने से बात शुरू हो, कोई भी स्टोरी हो, ये उसमें दिल घुसे करी रहती है। कितना छुपी रहोगे? लाइफ में कितना टेंशन है? कौन सा टेंशन आन पड़ा है बढ़िया माँ आपको? कुछ खबर आई है क्या? कोई खबर ही नहीं है, यही तो टेंशन है। लाइफ एकदम नहीं बचा रही है, जैसे नेशनल हाईवे का ट्रैफिक, बस वो ही सिग्नल पे रुकना, स्पीड ब्रेकर के ऊपर उछलना, ना कोई ट्विस्ट, ना कोई टर्न, ना कोई खबर, बस। ओए छोटी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आजकल अपने देश में इतनी खबरें हो रही है कि पूरा खबरिस्तान खुल सकता है। यहाँ ना 11 दिन में ही दिल्ली का तख्त बदल जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू तुरंत आधा छोड़कर लंदन से लुधियाना आ जाता है और मिस यूनिवर्स का बॉयफ्रेंड मिस्टर यूनिवर्स बनने से इनकार कर देता है। क्या मिस यूनिवर्स को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया? यस! मिस यूनिवर्स भले ही लोगों के दिल पे दस्तक देती रहे, तुम मेरे दिल में बिना नौ किए घुस सकते हो। और भाइयों को गर्मा गर्म खबर मिल सकती है जिसका कैप्शन होगा, मिस यूनिवर्स के दिल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है स्वीटी का घर। स्वीटी तू चुप रहेगी? तुम्हें अपना दिमाग चलाओ कि हमारी रूखी सूखी जिंदगी में मजा कैसे आए। तेरी बात में दम तो है साला, आजकल गुंडागिरी में भी कोई मजा नहीं रहा। हर एक घर से एक बच्चा गुंडा बन गया है और सबका सपना पार्लियामेंट में जाकर बैठने का है। दीवारों के मर्दों के खिलाफ बुमा बुम की हालत में बिल्कुल हिंदी फिल्मों की गारो जैसी हो गई है। कहता है ये पहले कहीं सुना है। आजकल ना चर्च गेट के फुटपाथ पर भी पढ़ने लायक बुक्स ही नहीं मिलती। मुझे तो लगा सिर्फ कुमारी स्वीटी दुखी है, लेकिन बाकी की कन्याओं की हालत तो कन्याकुमारी की चट्टान जैसी है। ए छोटी, ये तो बता सुनील और गंगा का मामला कहाँ तक बढ़ा? मम्मी आपको मालूम नहीं है, पूजा आंटी ने इस बार करवा चौथ का व्रत इतना कठोर रखा कि सुनील अंकल गंगा को छोड़ के पूजा आंटी के पास जाने लगे। अरे यार, सुनील और गंगा का लफड़ा करवा के पूजा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा निकालने का काम अच्छा है ना? ए टोपी, तेरा नाम काजल से बदलकर शादीराज तलाकचंद रख देना चाहिए। तेरा आइडिया तो अच्छा है, कम से कम हमको एक हफ्ते की टाइम पास की खुराक तो मिल जाएगी। क्या चल रहा है? ये 5 पांडव ये शकुनी माता मिलकर दे उनकी माता मिलकर क्या कारस्थान सोच रहे हैं? डैडी, हम लोग है ना प्रेम ग्रंथ लिखने का सच्चा चिट्ठा बना रहे हैं। है? प्रेम ग्रंथ तो रिलीज हो गई मुझे लगता है। पिक्चर बनाई है तो लिखकर ले लो, चिंपू राज साहब का नाम रखेगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे कट्टी कर रहे हैं। मम्मी, मुझे तो लगा कि आपके पति बड़े हो गए हैं, लेकिन ये तो बच्चों के साथ कट्टी कर रहे हैं। ओके, कट्टी तो कट्टी सही, अभी तो मैं भी आपको हर किसी बताऊंगी कि हम लोग पूजा आंटी और सुनील अंकल के बीच में लड़ाई कराने का प्लान बना रहे थे।
सुनील अंकल के संसार में आग लगाने की सोच रहे हो और बिना तुम इनका साथ दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो तो अरे, अरे तुम भी किन की बातों में आ गए। चलो लड़कियों हम अंदर चलकर बैठते हैं, हाँ। वरना ये चिल्लाते रहेंगे और हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। मैं चिल्ला जाऊंगा, तुम मेरी सुनो सुनो। देखा बच्चों को लेकर ऐसे चली गई जैसे सूखे पेट से पंछी उड़ जाते। तुम्हें मैं कौन से एंगल से सूखा हुआ पेड़ लगता हूँ? मुझे शिमला का सेब का बगीचा लगते हो, लेकिन तुम ही एक हो जो मेरे सौगन के पलों से लटके रहते हो। जरूरी है कि तुम्हारे हर क्या क्यों और कहां का जवाब मैं स्कूल के बच्चे की तरह देता रहूं? मर्दों वाली बात कड़क होकर बात करो वरना ये तो सर पे चढ़ जाएगी। इतने अकड़ क्यों रहे हो? कमाल है, मैं तुम्हें इतने प्यार से पूछ रही हूँ, ये लाओ वो लाओ और तुम क्यों उखड़े जा रहे हो? ढीला मत छोड़ना वरना हाथ में आई हुई लगाम फिर से निकल जाएगी। मैं चाहूं वहां देखूंगा चाहूं वहां नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, जाओ। क्यों मेरा चेहरा क्यों नहीं देखते? देखने लायक है ही क्या? कभी कभार तो तुम डोनाल्ड डक की बहन जैसी लगती हो। डोनाल्ड डक की बहन का नहीं नहीं पता तुम क्या लगते हो? मोगली के चाचा। ये तो पत्नी है या कौन? पत्नी को जंगल बुक का कार्टून का क्या कहा तुमने? मैं कैसा लगता हूँ? मोगली के चाचा। देखो तुम हद से गुजर रही हो, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना वरना क्या कर लोगे? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? मैंने कुछ नहीं कहा, वो जरा से हमारे में तुतु मैं हो गई। तुतु बाद में इसी ने कहा मैं झूठ मत बोलो डैड, तुतु मैं रोने लगी। इतनी बुजदिल नहीं है हमारी माँ। आपने कहीं मम्मी पे हाथ तो नहीं उठाया है? किसने?
मैंने हाथ उठाया? नहीं वो क्या है, मैंने जरा सी गुल्ली महिला मुक्ति की कार्यकर्ता की माँ पर ही अत्याचार। डैडी आपने ये भी नहीं सोचा कि आप किसी माँ पे हाथ उठा रहे हैं? देख मैं चली जाऊंगी। होना ही चाहिए, पड़ोस में ना सही तो घर में ही लड़ा दो। चलो तुम्हारा सामान पैक कर दे। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनो। अरे कोई सुनता ही नहीं मेरी, हमेशा लेके ऐसे ही करते रहते। अरे जाती है तो जाने दो, मैं तो हूँ यहाँ पर। चने के झाड़ पे चढ़ा कर टांग दिया, अगर वो सचमुच मैके चली गई तो मेरा घर पानी पत का मैदान बन जाएगा। अरे रो मत, ये तो अकेली पांद्रा नहीं गई, बलिया क्या जाएगी? तू उसकी वानर सेना को नहीं जानती। अरे अपनी माँ को बलिया क्या, बर्लिन तक पहुँचा के आएगी वो। चमत्कार दिखा, मैं तो मरी बीवी के हाथ में जिंदा बीवी से हाथ धो बैठूंगा। भगवान इस तरह सुनने लगे तो हो गया ना। भगवान ने सुन ली। आइए आइए भगवान छोड़ दिया क्या? जी नहीं, सामान बहुत है इसलिए। कहीं इसमें पत्थर तो नहीं भरे होंगे? बैठिए जल्दी बाहर जाओ, देखो तो कौन आया है। जो भी आया है उसे दरवाजा दिखाओ। दरवाजा तो इन्होंने देख लिया, अब वो तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे यार कोई ऐरा गैरा नथु खेरा ही आया होगा ना, लेकर हमारे घर पर चाय पर नहीं आएगा। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं। नहीं सही फरमाया आपने, सही फरमाया जी। वो क्या है, हमारे घर में राहु काल का आगमन हुआ और आपका प्रवेश हुआ। जी जी, नहीं मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, चिंता मत कीजिए, तूफान जितनी जल्दी आता है उतने जल्दी थम जाता है। देखो तो तुम्हारे गांव से तूफान जी मुखिया जी आए हैं। चाचा आप? चाची भी आए हैं। भाई बाबू जरा मैं गुस्से में थी ना, इसलिए आपको देखे बगैर बेअदबी हो गई। होता अब गुस्सा उतरा या नहीं? अरे यार उतर ही जाएगा ना, कहते हैं मैके के कुत्ते को देखकर भी औरत बाग बाग हो जाती है, फिर आप लोग तो इंसान हो। अब इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, इसने आपको कुत्ता नहीं कहा, ऐसी आदत है बम्बार्डिंग करने की। मीना जी नहीं है क्या घर पे? मजाक कर रही हैं, बाकी हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। वही तो कह रही हूँ, मनोहर शशि कपूर की तरह फैलने लगा है और तुम रेखा की तरह स्लिम होने लगी। धन्यवाद। मनोहर इतना भी मोटा होना अच्छा नहीं कि लोग बीवी को बेटी समझने लगे। और तुम बिना घर में मेहमान आए और तुमने पानी तक नहीं पूछा। मैं लाती हूँ, तू रहने दे, मैं लाती हूँ ये पानी। पानी गिरा, गिर गई। अरे ओफो, ये लड़कियाँ एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। इसकी जात की साली क्या एक्टिंग कर रही है,
बेचारे गरीब गांव वालों को उल्लू बना रही है। क्या काम से आए हो? आपको कैसे पता चला कि हम काम से आए? अरे भाई, जो आदमी बिना मतलब बटेर मारने नहीं जाता वो बम्बई ऐसे ही थोड़ी आएगा। सही कहा आपने। दरअसल बात ये है कि आपका मंदिर तैयार हो गया है। वेरी गुड, सब भक्तों की आस्था का फल है। और अगली पूर्णमासी को उसका उद्घाटन होना ही चाहिए, बड़ा शुभ दिन है। पर हम चाहते हैं कि आप वहाँ उपस्थित रहें। ख्याल तो बड़ा अच्छा है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त?